नमस्कार दोस्तों, करियर डेस्ट एकेडमी के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हम देखेंगे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का MCQ प्रैक्टिस सेट क्रमांक एक। उक्त वीडियो में भारत सरकार के अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 SC ST एक्ट 1989 की परिभाषाएं, धाराएं, महत्वपूर्ण तत्वों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को शामिल किया गया है। इस अधिनियम को हमने दो भागों में पूरा किया है, जिसका पहला भाग आप देख रहे हैं जो प्रश्न संख्या 100-125 तक शामिल है, जो आपके एग्जाम UPSC, UPPSC, छत्तीसगढ़ PSC, MPPSC, उत्तराखंड PSC, SSC, CGL, राजस्थान PSC आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, SC ST एक्ट 1989 का उद्देश्य क्या है? SC ST एक्ट 1989 को हम, जिसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन देखते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार के अपराध को विचारण। जी हाँ, यह जो एक्ट है वो केवल अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों पर अत्याचार को रोकने के लिए बनाया गया है भारत सरकार द्वारा। हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अपराधों के निवारण हेतु विशेष न्यायालयों का गठन। जी हाँ, इसके जो अपराध होते हैं उसके निवारण हेतु विशेष न्यायालयों का गठन किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। अपराध पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास। जी हाँ, इसमें अपराध पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास का व्यवस्था की गई है। तो हमारे उपरोक्त सभी आंसर सही होंगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। SC ST एक्ट 1989 का निम्न में किस धारा के तहत विशिष्ट न्यायालय का परिभाषित किया गया है? जी हाँ, आपको देखना है कि जो विशिष्ट न्यायालय का परिभाषित किया गया है, आप यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक परिभाषित होता है और एक प्रावधान होता है, दोनों ही अलग अलग चीज है, क्योंकि इसमें ही कन्फ्यूजन होता है और इस अधिनियम में कुछ नहीं है। तो हम देखते हैं कि विशिष्ट न्यायालय को परिभाषित किया गया है, कौन सी जो धारा है उसमें परिभाषित किया गया है। आपको आधा सेकंड दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन में, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा धारा टू घा है, जिसमें विशिष्ट न्यायालय का गठन का प्रावधान किया गया है। चलते हैं हम कि 1989 जो SC एक्ट है का निम्न में किस धारा के तहत विशेष लोक अभियोजक को परिभाषित किया गया है? जी हाँ, आपको बताना है कि विशेष लोक अभियोजक को परिभाषित कौन सी धारा में किया गया है, तो वह धारा है 2 ड़ा। जी हाँ, 2 ड़ा में विशेष लोक अभियोजक को परिभाषित किया गया है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को अन्य सामान्य जाति के व्यक्ति द्वारा हत्या के मामले में झूठी गवाही देकर फंसाकर उसे दोष सिद्ध कराया तो सामान्य जाति के सदस्य को कितना दंड मिलेगा? जी हाँ, कोई भी व्यक्ति है जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति का नहीं है, उसने अनुसूचित जाति के जो भी सदस्य है, व्यक्ति है, उसको झूठी गवाही दी थी, वो भी हत्या के मामले में, और वो फंस गया था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे तथ्य आए कि वो निर्दोष साबित हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को उसे केवल और केवल क्या दिया जाएगा, आपको देखना है ऑप्शन में और इसका आंसर देना है। तो इसे दिया जाएगा केवल मृत्यु दंड, इसलिए बहुत ही कड़े नियम है। इसे हरिजन गांव में लोग हरिजन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो केवल और केवल मृत्यु दंड दी जा सकती है उसे। किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध पाए जाने पर धारा 7 के अधीन उस व्यक्ति को संपत्ति को सरकार में समाहित करने का आदेश कौन सुनाता है? जी हाँ, जो भी धारा 7 के अंतर्गत दोष सिद्ध हो जाता है इस एक्ट के तहत, तो उसे आदेश कौन सुनाता है, उसकी जो संपत्ति कुर्क की जाती है उसे सुनाता है केंद्र सरकार। इसे ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इसका जो क्रियान्वयन है वो राज्य सरकार करता है, तो इसे केंद्र सरकार समाहित करेगा उसकी संपत्ति जो भी अपराधी होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में संहिता शब्द को परिभाषित किस धारा में किया गया है? जी हाँ, जो संहिता शब्द है उसे किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 2IB। 2IB में संहिता शब्द को परिभाषित किया गया है, आप इसे ध्यान रख सकते हैं। तो चलते हैं हम
एक आदमी जो अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नहीं है, जो अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य के घर में आग लगा देता है, बताओ, तो उस दंड का भागी माना जाएगा। उसे कितनी दंड का भागी होगा यदि किसी के घर में आग लगा देता है गैर एसटी एसटी का जो व्यक्ति है? तो इसे हम इसका आंसर देखते हैं, आजीवन कारावास। जी हाँ, आपको बचना है ऐसे ऐसे एक्टों से, अधिनियम से, कि आपको दूर रहना है, और क्योंकि इसमें बहुत ही कड़े नियम हैं, तो आग नहीं लगाना है आपको किसी के घर में जो एससी एसटी का सदस्य हो, नहीं तो आपको आजीवन कारावास भोगना पड़ेगा। मित्रों, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हम कि गैर अनुसूचित जाति तथा जनजाति के सदस्य द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी सदस्य के प्रति कौन सी कार्य धारा 3 के अनुसार अपराध नहीं है? जी हाँ, आपको बताना है कि कौन सा कार्य जो है धारा 3 के तहत अपराध नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी स्वामित्व का या उसके आवंटन करने हेतु अधिसूचित भूमि को सदस्य उद्योग में लाना, उस पर खेती करना, उस पर आवंटित भूमि अंतरित करा लेना। ध्यान दें दोस्तों, पुराने जमाने में क्या होता था कि जो गरीब लोग थे, एससी एसटी के लोग थे, उन पर वास्तव में बहुत ही अत्याचार होता था। इस वजह से यह अधिनियम बनाया गया है, बहुत ही छुआछूत होता था। अब छुआछूत की बात अलग है कि आज के तौर में छुआछूत केवल सफाई के तौर पर रह गया है। यदि कोई किसी भी चीज में स्वच्छता को अपनाता है तो छुआछूत नहीं मानना चाहिए दोस्तों। तो इसमें हम देखते हैं कि उसे उसकी भूमि या परिसर से सदोष बेकब्जा करना, किसी भूमि परिसर पर जल या उसके अधिकारों का उपभोग में हस्तक्षेप करना दोस्तों, यदि उसके पानी से संबंधित भूमि के लिए या जल या परिसर में उसका उपभोग में हस्तक्षेप करना, तो बेगार बलावत या बंधुआ मंजूर करने के लिए विवश करना या फुसलाना सरकार द्वारा अधिरूपित अनिवार्य सेवा अपवाद है। अखाद्य या ऋणात्मक खाद्य पदार्थ पीने या खाने के लिए विवश नहीं करना। तो दोस्तों, हमारा यही हो जाएगा आंसर इसका डी। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, जो कि अखाद्य या ऋणात्मक खाद्य पदार्थ पीने खाने के लिए विवश नहीं करना। विवश क्यों करेगा दोस्तों? विवश अगर करेगा तो वो मर ही जाएगा। तो हमारे ये तीनों जो अपराध हो जाएंगे वो धारा 3 के तहत अपराध हो जाएंगे, भूमि से संबंधित अपराध हो जाएंगे, और या बेगार बलावत या बंधुआ मजदूर करने के लिए या भूमि परिसर या जल से हस्तक्षेप करने में कि जल रोकना या कुछ ऐसे जो अपराध हैं वो धारा 3 के तहत आते हैं। मित्रों, हम देखते हैं कि इस अधिनियम की धारा के तहत भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंद लागू होना प्रावधान किया गया है। तो कतिपय जो प्रावधान है सारे के सारे भारतीय दंड के, तो वो धारा 6 में है। ध्यान दें दोस्तों, धारा 6 में जो हमारी भारतीय दंड संहिता है उसके कतिपय उपबंध भी लागू किए गए हैं इस अधिनियम के तहत। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में इस अधिनियम की निम्न में किस धारा के तहत विशेष न्यायालय का गठन का प्रावधान किया गया है? तो विशेष न्यायालय का जो है वो धारा 14 के तहत ध्यान देना दोस्तों, जो प्रावधान किया गया है इसे प्रावधान है, ये प्रावधान है, और एक होती है परिभाषा, दोनों सारे के सारे डिफरेंट हैं। तो धारा 14 के अंतर्गत जो विशेष न्यायालय का प्रावधान किया गया है, और ध्यान रखना उसको विशेष न्यायालय को परिभाषित कहां किया गया है कि होता क्या है। परिभाषा मतलब यह परिभाषा दी जाती है किसी भी अधिनियम में कि जो विशेष न्यायालय है वो होता क्या है, तो उसका परिभाषा हो जाता है। उसमें परिभाषा दो घा में ऐसा इसका वर्णन किया गया है, दो घा में, और धारा 14 में उसका प्रावधान किया गया है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। इस अधिनियम में किस धारा के तहत विशेष लोक अभियोग को परिभाषित किया गया है? आपको बताना है कि विशेष अभियोग को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों, यह परिभाषित नहीं है, यह प्रावधान है, यह गलत हो जाता है। तो आपको पता है कि वह क्वेश्चन सही हो जाता है, क्योंकि परिभाषित तो हम पढ़ चुके हैं। तो यह क्या है? प्रावधान है, और प्रावधान वो है तो धारा 15 में किया गया है। धारा 14 में हमारा विशेष न्यायालय हो जाएगा, और धारा 15 में हमारा विशेष लोक अभियोजक हो जाएगा। ध्यान रखना, इसकी जो परिभाषित दिया है वो धारा रा में दिया है, आपको यह कन्फ्यूजन नहीं होगा, यह परिभाषित नहीं है। तो यह क्या है? प्रावधान है, इसे आप ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। तो इस अधिनियम की धारा किस धारा के तहत अपराधी के बारे में उपधारणा का प्रावधान किया गया है? जी हाँ, जो अपराधी है उसकी धारा में धारा 8 के अंतर्गत उपधारणा का प्रावधान किया गया है कि यह धारा
यह अपराधी किस प्रकार का अपराधी है, तो धारा 8 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन इसी प्रकार आता है कि किस धारा के तहत अपराधी के बारे में उपधारणा का प्रावधान किया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा धारा 8 के अंतर्गत। धारा 14 के तहत किस न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाता है, जी हाँ, किस न्यायालय को पॉइंट अपॉइंट किया जाता है, तो वह पॉइंट किया जाता है सेशन न्यायालय या सत्र न्यायालय, तो आप इसे देख सकते हैं दोस्तों। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी अपराधी के अपराध को बचाने की आशा से साक्ष्य या मिथ्या जानकारी का उपयोग करने वाले व्यक्ति को कितना दंड दिया जाता है इस अधिनियम के अंतर्गत, जी हाँ, कोई अपराधी है उसे साक्ष्य मिटाना या मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करना, तो उसे दंड दिया जाता है उस अपराध के लिए उपबंधित दंड, जी हाँ, कोई भी, इसमें कई अपराध होते हैं, जो 22 अपराध होते हैं, इस अपराधों में से जो, अब ध्यान दें दोस्तों, तो इस अपराधों में से जो भी दंड का भागी होगा उसे इसमें अलग अलग उपबंधित दंड दिया गया है, अलग अलग प्रावधान किया गया है। यदि कोई अपराधी किसी अपराध को बचाता है, किसी अपराधी को बचाता है, उसके साक्ष्य मिटाता है, उसे झूठी जानकारी देता है पुलिस को, या जो भी हमारा जांच कर रहा है, इसके जो अपराधी है उसकी जांच कर रहा है, तो उसे उस अपराध के उपबंधित दंड से, उसे जो भी दंड उसमें शामिल होंगे उसे का भागी होगा वो। चलते हैं हम, इस अधिनियम के अनुसार विशेष न्यायालय के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कौन करता है, तो विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति तो हमारी राज्य सरकार करती है दोस्तों, तो ध्यान देना है कि राज्य सरकार करती है इसमें जो विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति। चलते हैं हम, अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को कौन सी संपत्ति सरकार के पक्ष में कुर्की की जा सकती है, जी हाँ, जो भी इस एक्ट के तहत अपराधी माना गया है, दोष सिद्ध हो चुका है, तो उसकी जो संपत्ति होगी उसे कौन कौन सी संपत्ति जो सरकार उसका हस्तांतरण करेगी यानी उसकी कुर्क करेगी, तो उसका आंसर हो जाएगा चाहे वह चल हो या अचल हो, दोनों की दोनों, चाहे उसके पास मोटर गाड़ी हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, कुछ भी हो दोस्तों, तो उसकी जो कुर्की है वो कर ली जाएगी सरकार द्वारा, ध्यान देने वाली बात है, चाहे उसका बड़ा सा मकान हो चाहे बंगला हो। तो इस एक्ट के तहत अन्य विधियों पर अध्यारोही होना प्रावधान किस धारा में, अन्य विधियों पर अध्यारोही होना, जो अन्य विधि बनाई गई है हमारे अधिनियम की, तो उन पर अध्यारोही होना प्रावधान किस धारा में किया गया है, तो यह धारा होगी हमारी धारा 20। धारा 20 के अंतर्गत जो है वो अन्य विधियों पर अध्यारोही प्रावधान को प्रावधान किया गया है इस अधिनियम के तहत। चलते हैं हम, SC/ST एक्ट 1989 के अनुसार किसी अपराध का विचारण कौन कर सकता है, जी हाँ, किसी अपराध का विचारण है वो कौन कर सकता है, तो इसको इसके लिए बनाए गए हैं सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय, चाहे वह सत्र न्यायालय हो चाहे कोई भी हो, लेकिन राज्य सरकार द्वारा जो विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय का गठन होगा वही जो अपराध का विचारण कर सकता है। विशेष न्यायालय से क्या है, तुरंत कार्यवाही होती है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिनियम की धारा के अंतर्गत राज्य सरकार को सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की शक्ति कौन सी धारा में निहित है, जी हाँ, आपको बताना है कि जो सामूहिक जुर्माना अधिरोपित होता है वह धारा 16 में शक्ति निहित है। धारा 16 में क्या है, सामूहिक जुर्माना की शक्ति निहित है, जो भी राज्य सरकार को जुर्माना कर सकती है। अधिनियम के तहत लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखने तथा अत्याचार ग्रस्त घोषित क्षेत्रों में अत्याचार रोकने के लिए कौन उत्तरदायी है, जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि जो अत्याचार होते हैं इस, तो इसके लिए हो जाएगा हमारा जिला मजिस्ट्रेट भी, उपखंड मजिस्ट्रेट भी, पुलिस अधिकारी जो पुलिस उपनिरीक्षक के पद के नीचे का ना हो, तो उपरोक्त सभी हमारे आंसर सही हो जाएंगे कि इसके तहत लोक व्यवस्था और शांति बनाए रखने तथा अत्याचार ग्रस्त क्षेत्रों में अत्याचार रोकने के लिए उत्तरदायी होते हैं। चलते हैं हम, अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को जाति सूचक शब्द से अपमानित किया गया हो लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है, तो क्या उस पर मुकदमा दर्ज होगा, हो सकता है, सही जवाब दें। तो दोस्तों ये तो
जो है जो जाति सूचक शब्द बोला जाता है, तो किसी मतलब उसको नीचा दिखाने के लिए बोला जाता है, और किसी के सामने बोला जाता है। जब अकेले में बोला जाता हो तो उसका कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है। आप अकेले में किसी को यदि किसी की जाति जाति सूचक शब्द होते हैं जो अनुसूचित जाति के होते हैं, मैं यहाँ पे उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो बुरा मान जाएंगे लोग बात, क्योंकि समझ समझ रहे हो बात को, मुझ पर भी केस दर्ज हो सकता है, तो इसको नहीं दर्ज हो सकता है, क्योंकि यदि कोई सबूत नहीं है तो नहीं हो सकते हैं, तो मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है। इसलिए यदि आप SC ST के सदस्य हैं, आपके खिलाफ कोई अत्याचार हुआ है, तो मोबाइल में जरूर फीड कर लें, तो इससे क्या है कि उस पर केस दर्ज हो सकता है। आपको जिसने अहद किया है उसका केस दर्ज हो सकता है उस पर। उसके बाद हम देखते हैं कि इस धारा की धारा 10 के अधीन आदेश पारित किया गया है, यदि अपनी माँ को फोटो के लिए जाने का विरोध करता है तो वह किस धारा के अंतर्गत अपराधी समझा जाएगा। मित्रों, तो किस धारा के तहत अपराधी समझा जाएगा, वह समझा जाएगा इस अधिनियम की धारा 11 के तहत, इस अधिनियम की धारा 12 के तहत, धारा 1986 की भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत आपको बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। नहीं मित्रों, इसका आंसर होगा धारा 186 भारतीय दंड संहिता 1860। माफ कीजिएगा, मैंने उपरोक्त सभी बोल दिया था, लेकिन इसका सही आंसर है धारा 186 भारतीय दंड संहिता 1860 में जो नियम है, जो अपराध है, वह धारा 10 के तहत जो अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण का है वह एक ही है, तो इसे हमें ध्यान रखना है। तो चलते हैं हम, एस्ट्रोसिटी एक्ट के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों की संहिता की धारा 438 लागू नहीं होगी, यह प्रावधान SC ST एक्ट 1989 की किस धारा में वर्णित है। जी हाँ, तो यह जो है वो धारा 18 में वर्णित है। धारा 18 के अंतर्गत एट्रोसिटी एक्ट के अधीन अपराध करने वाले व्यक्तियों की संहिता धारा 438 लागू नहीं होगी, यह आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम, अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का सरकार का कर्तव्य SC ST एक्ट 1989 किस धारा में उल्लेखित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा धारा 21 में। ध्यान दें दोस्तों, धारा 21 में जो है वो इस धारा का उल्लेख किया गया है कि इसका प्रभावी क्रियान्वयन किया सुनिश्चित किया जाएगा इस अधिनियम का। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, SC ST एक्ट के 1989 किस धारा में अत्याचार को परिभाषित किया गया है। जी हाँ, प्रावधान और परिभाषित अलग चीज होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा धारा 2(1)(a)। धारा 2(1) में अत्याचार को परिभाषित किया गया है। किस धारा में पश्चातवर्ती दोष सिद्ध के लिए वर्धित दंड का प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा धारा 5। ध्यान दें, धारा 5 में पश्चातवर्ती दोष सिद्ध के लिए वर्धित दंड का प्रावधान किया गया है। निम्न में हमें असत कथन को पहचानना है, तो इसका आंसर क्या है हम देखते हैं कि धारा 13 में धारा 10 के अधीन आदेश का अनुपालन के लिए शासित उपबंध है क्या। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होने के लिए कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता ने विधि व्यवसाय किया हो। विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का प्रावधान धारा 15 में है। कर्तव्य की उपेक्षा के लिए दंड की धारा 4 में प्रावधान है। तो हम सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कि जो विशेष लोक अभियोजक नियुक्ति के लिए कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता की विधि व्यवसाय किया गया हो, जी नहीं, इसे 7 वर्ष का व्यवसाय किया गया हो, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि यह बिल्कुल गलत होगा सरासर, क्योंकि इसमें 7 साल के लिए कम से कम होना चाहिए। तो चलते हैं हम, के अंतर्गत किस अपराध के निवारण के लिए किसी अधिकारी को पुलिस या न्यायालय की शक्तियां प्रदान करने का अधिकार है। जी हाँ, आप किसी भी अधिकारी को पुलिस या न्यायालय की जो शक्तियां प्रदान करने का अधिकार किसे दे रखा है, आपका ऑप्शन है, तो यह दे रखा है राज्य सरकार को। जी हाँ, यह किसी अधिकारी की बात हो रही है और न्यायालय की शक्तियां प्रदान करने की बात हो रही है और इसमें कुछ बात नहीं हो रही है, तो यह राज्य सरकार का काम होता है, और यह धारा 9 के तहत जो शक्तियां प्रदान है वह धारा 9 के तहत है। राज्य सरकार को किसी अधिकारी को पुलिस या न्यायालय की शक्तियां प्रदान करने का अधिकार,
चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई व्यक्ति धारा 10 का उल्लंघन करता है तो उसे विशेष न्यायालय ऐसे व्यक्ति को एक वर्ष तक का कारावास एवं जुर्माने से दंडित कर सकती है। यह प्रावधान एससी एसटी की किस धारा में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा धारा 17 में। ध्यान दें, धारा 17 में जो है वो व्यक्ति धारा 10 का उल्लंघन करता है तो उसे जो उसका दंड दिया गया है वो धारा 17 में वर्णित है। चलते हैं हम, धारा 3 के अधीन अत्याचार के अपराध में दंडित किया जा सकता है, उसे किसको दंडित किया जा सकता है? तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि उसको ही दंडित किया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है उसी को दंडित किया जा सकता है, क्योंकि उन्हीं के लिए यह बनाया गया है। ध्यान दें दोस्तों, और इसमें कुछ नहीं है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ के तहत उन शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त होते हैं किंतु परिभाषित नहीं है, इसका अर्थ कानून में किस संहिता के अर्थ में लगाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो आपको बताना है कि जो अधिनियम इस अधिनियम में परिभाषित नहीं है या कुछ प्रयुक्त नहीं होते हैं, प्रयुक्त हैं अधिनियम किंतु परिभाषित नहीं है, तो हम चाहे वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो चाहे दंड प्रक्रिया संहिता हो, भारतीय दंड संहिता हो, उसमें परिभाषित है तो आप उन्हीं का अर्थ आप इस अधिनियम में भी लगा सकते हैं। ध्यान दें दोस्तों, मैं जो मुझे समझाना है उसे मैं समझा रहा हूं, आप समझ भी सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। तो यह तीनों के तीनों हमारे आंसर हो जाएंगे दोस्तों, यह सारे के सारे अधिनियम बनाए गए हैं। तो चलते हैं हम, गैर अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को मकान या गांव या निवास के मूल स्थान को छोड़ने हेतु विवश करता है या तो वह दंडनीय होगा? जी हाँ, यह उसे कितना दंड मिलेगा जो अपने गांव से भगाएगा या किसी शहर से भगाएगा या उसे किसी मोहल्ले से भगाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, उसे 6 माह से कम उसे दंड होगा और 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है दोस्तों। तो आप कभी भी गलती ना करें कि किसी भी एससी एसटी के सदस्य को आप भगाने की चेष्टा ना करें, कहीं भी रहता हो उसे रहने दें दोस्तों, नहीं तो आप परेशानी में पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह हरिजन एक्ट है और यह हरिजन एक्ट दोस्तों बहुत ही काम का है एससी एसटीओ के लिए। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं इसका क्या है कि गलत यूज हो रहा है, गलत यूज होते देखा है मैंने, उससे भी बचना है अपन को। तो इस अधिनियम की अत्याचार ने कब से लागू हुआ, जो हमारा यह अधिनियम है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम जो कब से लागू हुआ है, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, यह 30 जनवरी 1990 को लागू हुआ था दोस्तों। 30 जनवरी 1990 दोस्तों, बात करें तो 30 जनवरी आज के परिप्रेक्ष्य में आज ही है। तो देखते हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई? जी हाँ, इस एक्ट को राष्ट्रपति महोदय की अनुमति कब प्राप्त हुई थी? तो यह प्राप्त हुई थी 11 सितंबर 1989 को प्राप्त हुई थी, क्योंकि इसे जब भी इसमें कई बात होते हैं, जो भी अधिनियम बनता है तो सबसे पहले तो लोकसभा में, राज्यसभा में, फिर लोकसभा में, ध्यान दें दोस्तों, फिर राष्ट्रपति की अनुमति, फिर राजपत्रित में इसका जो लागू होता है भारत सरकार करती है। तो चार अधिनियम में 4 डेट होती है इंपोर्टेंट, तो यह ध्यान रखना है अपन को। तो इसके अंतर्गत अत्याचार से अभिप्रेत कौन सी धारा में है? ध्यान दें, अत्याचार से अभिप्रेत कौन सी धारा में है? तो यह हो जाएगा हमारा धारा 3 के लिए अधीन दंडनीय है। ध्यान दें दोस्तों, जो अत्याचार है वो उसमें प्रावधान वर्णित है अत्याचार से संबंधित, ध्यान दें धारा 3 में। तो धारा 3 के अंतर्गत जो भी प्रावधान वर्णित है अत्याचार से संबंधित, तो वह धारा 3 में संबंधित है, हम देख भी चुके हैं अत्याचार से संबंधित। भारतीय गणतंत्र के कौन से वर्ष में पारित किया गया था यह अधिनियम? तो यह पारित किया गया था हमारे 40वें वर्ष में। ध्यान दें दोस्तों, 40वें वर्ष में जो है वो यह हमारा जो एक्ट है वह पारित किया गया है। तो चलते हैं हम, इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो आपको बताना है कि कुल कितनी धाराएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कुल 23 धाराएं हैं, इसे ध्यान रख सकते हैं आप, इस अधिनियम में कुल 23 धाराएं हैं दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं कि
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के वही अर्थ है जो निम्न में वर्णित है। जी हाँ, इसमें जो अधिनियम में अनुसूचित जाति और जनजाति का वही अर्थ है जो इसमें संविधान के अनुच्छेद जो हमारे ऑप्शन दिए हैं संविधान के अनुच्छेद के खंड में है। तो हम इसका आंसर देखते हैं, यदि आपको ध्यान हो तो आप आधा सेकंड में सोच भी सकते हैं इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 और खंड 25 में वर्णित है। ध्यान दें, अनुच्छेद 366 के खंड 24 एवं 25 में वर्णित है जो इस अधिनियम में अनुसूचित जाति और जनजाति के अर्थ वर्णित है कि अनुसूचित जनजाति और जनजाति कौन होगी, दोस्तों जाति कौन होगी। तो हम देखते हैं कि विशेष न्यायालय का प्रावधान किस धारा में है, तो इसे देखते हैं, हम देख चुके हैं कि धारा 14 में विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कोई सेशन न्यायालय हम गठन नहीं करते हैं, राज्य सरकार गठन करती है। दोस्तों हम तो अपराध ही कर सकते हैं या अपराध बचा सकते हैं, तो देखते हैं हम इसका। कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिला का अनादर करने या उसकी लज्जा भंग करने का आशय से हमला या बल का प्रयोग करता है तो उसमें कुल कितनी, उसमें कौन सा दंड मिलेगा। दोस्तों यह दंड हो जाएगा, ध्यान दें, तो इसका दंड कितना मिलेगा दोस्तों, किसी भी एससी एसटी की जो भी महिला है उसके साथ उसे कम से कम 6 माह का और अधिकतम 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना भोगना पड़ेगा। इसलिए किसी भी एससी एसटी की जो भी महिला हो उससे आप बच के रहें, चाहे कोई भी हो दोस्तों, ध्यान दें, तो इसके लिए कम से कम 6 माह का कारावास हो सकता है और अधिकतम 5 वर्ष की कारावास और जुर्माना भी हो सकता है, इसका आंसर हो जाएगा अपना। तो चलते हैं हम, इसमें कुल कितने अध्याय हैं, तो इस अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं, इस अधिनियम में 5 अध्याय हैं, ध्यान दें, केवल और केवल 5 अध्याय हैं इस अधिनियम में, तो इसे ध्यान रख सकते हैं आप। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी धारा लोक सेवक द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा के लिए दंड का प्रावधान करती है। जी हाँ, इसमें जो लोक सेवक है या कोई पुलिस वाला है और एससी एसटी का सदस्य आया है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखना या उसके प्रति सही जांच नहीं करना, कई सारे प्रावधान इसमें हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा धारा 4। जी हाँ, धारा 4 के अंतर्गत लोक सेवक द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा में जो दंड का प्रावधान है, दंड कि कितना दंड होगा, वह धारा 4 में वर्णित है। धारा 4 में वर्णित है कि कितना दंड भोगना पड़ेगा लोक सेवक को, सरकारी व्यक्ति को। तो धारा 4 के अंतर्गत न्यूनतम दंड कितना है, अब दंड की भी बात कर लेते हैं, तो इसकी धारा 4 के अंतर्गत, जी हाँ, लोक सेवक को 6 माह का न्यूनतम कारावास हो सकता है, न्यूनतम। तो कोई भी सरकारी व्यक्ति हो एससी एसटी के सदस्य की मदद करें दोस्तों, नहीं तो आपको 6 माह का कारावास भोगना पड़ सकता है और भोगा भी है कई लोगों ने। धारा 7(1) के अंतर्गत संपत्ति की संपहत करने की क्या शर्त है। जी हाँ, अभियुक्त को दोष सिद्ध होना, उस संपत्ति का अपराधकार में उपयोग, विशेष न्यायालय द्वारा इस आशय का लिखित आदेश। जी हाँ, तो उपरोक्त सभी हमारे आंसर हो जाएंगे 7(1) में। यदि धारा 7 के अंतर्गत किसी की संपत्ति, किसी भी अपराधी की संपत्ति कुर्क हुई है तो उसे निम्न दोष से सिद्ध होना चाहिए, तो हमारे उपरोक्त सभी इसके आंसर सही हो जाएंगे। चलते हैं हम, धारा 7(2) के अंतर्गत कुर्क की गई संपत्ति को संपाहित की जाएगी, कहां की जाए, मतलब जो धारा 7(2) है तो क्यों की जाती है, संपाहित क्यों की जाती है, जो धारा 7(2) में की जाती है, तो वो केवल और केवल किसके लिए की जाती है, जुर्माने की वसूली के लिए। जी हाँ, जुर्माने की वसूली के लिए 7(2) के अंतर्गत जो संपत्ति कुर्क की गई है वो समाहित की जाती है। कई कई धाराएं हैं, पूरी की पूरी चल और अचल संपत्ति भी उसमें जब्त हो जाती है, सरकार को हो जाती है उसकी, तो इसमें 7(2) की बात करेंगे, धारा 7(2) में केवल जुर्माने की वसूली के लिए संपत्ति संपहत की जाती है। देखते हैं कि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध को अभियुक्त व्यक्ति की आर्थिक सहायता करने वाले व्यक्ति को क्या माना जाएगा। जी हाँ, यदि कोई एससी एसटी के व्यक्ति को अत्याचार करता है और कोई दूसरा लोग उसे अपराध में सहायता करता है या आर्थिक सहायता करता है तो उस अपराध का दुष्प्रेरक माना जाएगा। जो भी दुष्प्रेरक की धाराएं हैं और उसे जो भी दंड मिलेगा उसे दंड का भागी माना जाएगा।
तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ के अंतर्गत विशेष न्यायालय को गठन का किस धारा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों यह किया जाता है, हम देख चुके हैं, धारा 14 के अंतर्गत किया जाता है और राज्य सरकार द्वारा गठन किया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ रिपीटेड हो जाते हैं, ध्यान नहीं रख पाता हूं मैं, तो आप परेशान ना होया करें, आपका ही प्रैक्टिस होने की बात होती है। तो धारा 14 के अंतर्गत विशेष न्यायालय को गठन प्रत्येक जिले में किया जाता है। यदि बात करें कि विशेष न्यायालयों का गठन जो है वो कहाँ किया जाता है, तो प्रत्येक जिले में गठन किया जा सकता है, वो भी राज्य सरकार द्वारा। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं, इसे हमने आपको फैक्ट के रूप में दे दिया है। विशेष न्यायालयों को गठन के लिए राज्य सरकार द्वारा क्या अनिवार्य है? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में आ चुका है, तो देखते हैं इसका आंसर। इसके लिए उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश माने हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उसकी सहमति आवश्यक होती है। सहमति, परामर्श नहीं मित्रों, परामर्श अलग होता है और सहमति अलग होता है। सहमति यानी किसी भी लिखित रूप में सहमति देना, तभी विशेष न्यायालय का गठन हो सकता है, नहीं तो राज्य सरकार नहीं कर सकती है इसका गठन विशेष न्यायालयों का। देखते हैं हम, राज्य सरकार किस श्रेणी के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किस न्यायालय को करती है? जी हाँ, तो यह करती है हमारा, आप देख चुके हैं, सत्र न्यायालय को। जी हाँ, जो भी सेशन न्यायालय है उसे करती है, अपॉइंट करती है, अपनी जो राज्य सरकार होती है उसे विशेष न्यायालय बनाने के लिए कि भाई अब विशेष न्यायालय तुम देखोगे, के अधीन गठित विशेष न्यायालय का कार्य करते हैं। ध्यान दें दोस्तों, जो भी विशेष न्यायालय है वो क्या कार्य करते हैं, आपको ऑप्शन में देखना है और इसका आंसर देना है। मूल अधिकारता न्यायालय के रूप में, बी इसका आंसर हो जाएगा, मूल अधिकारता न्यायालय के रूप में विशेष न्यायालय का कार्य करते हैं। ध्यान दें दोस्तों, SC/ST एक्ट के अधीन जो भी विशेष न्यायालय है वो मूल अधिकारता न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं। देखते हैं हम, विशेष न्यायालयों में मामले की संचालन के लिए धारा 15 के अंतर्गत नियुक्त विशेष लोक अभियोजक हेतु विधि व्यवसाय में न्यूनतम अनुभव अनिवार्य कितना है? तो मैं बता चुका हूं, 7 वर्ष। जी हाँ, लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए 7 वर्ष का कम से कम विधि व्यवसाय होना चाहिए। धारा 17 के अंतर्गत निवारक कार्रवाई करने में कौन सक्षम नहीं है? जी हाँ, जो भी निवारक कार्रवाई है वो आपके ऑप्शन दिए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश जो है वो नहीं कर सकता है, सक्षम नहीं है। दोस्तों जिला मजिस्ट्रेट और जिला न्यायाधीश में क्या अंतर है आपको बताना है, तो इसका आंसर कन्फ्यूजन वाला है, जो कि बुक में दिया था, लिया था आपको, इसका मुझे कॉमेंट के तहत आंसर सही देना है और आपको इसका कमेंट अवश्य करना। ध्यान दें दोस्तों, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं और आप उन्हें ध्यान से पढ़ते नहीं हैं, और मैंने भी देखो ऐसा कर दिया है, तो आपको ध्यान रखना है और आंसर तो आप इसका देख ही लेंगे, तो मैं भी आपको कमेंट के थ्रू बता दूंगा, लेकिन आपको देना है इसका कमेंट। के संबंध में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो जो भी अधिनियम है इसके बारे में क्या सत्य नहीं है, इसके ऑप्शन दिए हैं, आप इसे देख सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, भारतीय दंड संहिता के प्रावधान लागू नहीं है। जी हाँ, इसमें लागू नहीं है सारे के सारे, जो भी है कुछ परिभाषाएं लिए हैं, कुछ अपराध लिए गए हैं, लेकिन वो अधिनियम में भी दर्शाए गए, इस अधिनियम में भी दर्शाए गए हैं, तो भारतीय दंड संहिता के प्रावधान लागू नहीं है दोस्तों। जबकि अग्रिम जमानत के प्रावधान लागू नहीं है, अप्रयुक्त परीक्षा प्रावधान लागू नहीं है, इस अधिनियम के अन्य विधियों पर अध्यारोपित होना। जी हाँ दोस्तों, इसमें अग्रिम जमानत का कोई भी प्रावधान लागू नहीं है इस अधिनियम में, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का कोई प्रावधान नहीं है और भारतीय दंड संहिता का प्रावधान लागू नहीं है, यह सत्य नहीं है, जबकि भारतीय दंड संहिता प्रावधान का लागू होता है दोस्तों। इसे आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है, इसके परिपेक्ष में ध्यान दें मित्रों, तो ध्यान दें। चलते हैं हम, के अंतर्गत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई हेतु संरक्षण किस धारा में प्रदान किया गया है? जी हाँ, इस अधिनियम के तहत जो सद्भावना पूर्वक कार्रवाई की गई है वो संरक्षण धारा 22 में प्रदान
किया गया है। सद्भावना शब्द आएगा, संरक्षण शब्द आएगा, तो धारा 22 आएगी। और इसमें ऐसे ही एक एक शब्द आते हैं, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इतनी धाराएं हैं कैसे हम याद करें, कैसे क्या हो, तो सद्भावना के लिए केवल धारा 22 ही यूज होती है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं, शॉर्ट टेक तो बनाते हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। धारा 22 में इस अधिनियम के अंतर्गत सद्भावना की गई कार्यवाही तो किसी भी व्यक्ति को संरक्षण प्राप्त है, जो भी SC ST का होगा वो किसी भी व्यक्ति के लिए संरक्षण प्राप्त है। इसका आंसर क्वेश्चन आ जाता है कि किस व्यक्ति को संरक्षण प्राप्त है, तो किसी भी व्यक्ति को संरक्षण प्राप्त है, वो कौन सी धारा होगी, 22 धारा होगी। देखते हैं हम अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में विशेष से हटाने का अधिकार किसे है। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति है, किसी भी क्षेत्र से विशेष हटाने का अधिकार किसे है, विशेष न्यायालय को। जी हाँ, कोई जिला बदल नहीं कर देता है कि कोई ज्यादा ही अत्याचार करता है, अपराध करता है, तो वो भी विशेष न्यायालय को है, वो भी धारा 10 के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र से हटाने का किसी भी व्यक्ति को जो अपराध करता है। धारा 10 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र से विशेष हटाने का अधिकार अधिकतम कितने वर्ष की अवधि के लिए है। जी हाँ, तो यह आप बता ही सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। जी हाँ, 2 वर्ष के लिए कोई भी विशेष न्यायालय किसी भी अपराधी को किसी विशेष क्षेत्र से हटा सकता है। तो चलते हैं हम कि धारा 10 के अंतर्गत विशेष न्यायालय, ध्यान दें दोस्तों, विशेष न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र से हटाने के लिए आदेशित कर सकता है। कौन से जो अधिनियम है या कौन सा जो धारा इसकी अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत किस अनुच्छेद से मैच करती है या किस से मेल खाती है, तो वह मेल खाती है संविधान के अनुच्छेद 244 के निर्दिष्ट क्षेत्र से। ध्यान दें दोस्तों, इसे आप पढ़ लें, कोई भी चीज हुआ करे, नई चीज हुआ करे, तो उसे आप जरूर देख लिया करें दोस्तों। तो इसका आंसर आपने देख लिया है। विशेष न्यायालय का गठन किस अध्याय में वर्णित है, तो विशेष न्यायालय का जो गठन है वो अध्याय 4 में वर्णित है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अध्याय 4। चलते हैं हम के अंतर्गत क्या सत्य है, आपको बताना है कि क्या सत्य है। अग्रिम जमानत की निषेध जो धारा है कि धारा 17 से अग्रिम जमानत नहीं होती है इस अधिनियम के। दोष सिद्ध होती परिवीक्षा का निषेध धारा 19 है। जी हाँ, और अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अखाद पदार्थ खाने पर विवश करना, जहर महर पिलाना, दारू मारू पिलाना, कुछ भी, लेकिन दोस्तों वो तो बहुत ही पीते रहते हैं SC ST के लोग, जो गांवों में लोग रहते हैं। तो धारा 3(1) के अंतर्गत इसे अखाद पदार्थ खाने पर विवश करने की धारा है, तो उपरोक्त हमारे सभी आंसर जो सही हो जाएंगे, तो इसे ध्यान रखना है, धारा 3 ही कवर हो गई है इसमें। अत्याचार की परिभाषा हम किस धारा और किन धाराओं में प्राप्त कर सकते हैं, तो इसकी जो हो जाएगी धारा 3(1) और धारा 3(2) के अंतर्गत हम अत्याचार की परिभाषा जो है परिभाषित कर सकते हैं। हमने वैसे देखा था धारा 3 की सब डिवाइड है धारा 3(1) और धारा 3(2)(1) में, तो अत्याचार की परिभाषा जो है हम इस धारा में कर सकते हैं। देखते हैं हम इसमें कुल अपराधों की संख्या कितनी है इस अधिनियम में, तो कुल अपराधों की संख्या जो है हमारी 22 है। जी हाँ, जो भी 22 डिफाइन किए हैं इस अधिनियम के तहत SC ST के लोगों के जो अत्याचार करते हैं, चाहे वह स्त्री पर अत्याचार हो, चाहे लोगों पर अत्याचार हो, चाहे वह पानी भरने से रोकने से अत्याचार हो, अब बहुत से अत्याचार हैं। धारा 3 में क्या उल्लेख है, आपको बताना है कि धारा 3 में क्या उल्लेख है, तो आपराधिक कृत्यों की सूची, आपराधिक कृत्यों के लिए दंड का उल्लेख। जी हाँ, तो इसमें ये दोनों की दोनों उल्लेख है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आपराधिक कृत्यों की सूची और आपराधिक कृत्यों के लिए दंड का उल्लेख। जी हाँ, तो उपरोक्त दोनों के दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। चलते हैं हम के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों को संरक्षण में क्या प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, यह अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि व्यक्तिगत उद्दीपन से हो, सामाजिक आयोगता से हो, और संपत्ति को प्रभावित करने वाले अत्याचार से हो, या राजनीतिक अधिकारों को छीनने से हो, ये सारे के सारे जो है वो अनुसूचित जाति सदस्यों के लिए लागू हैं, तो हमारे उपरोक्त सभी के सभी जो आंसर हैं वो हो जाएंगे। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया क्वेश्चन। तो देखते हैं हम
विशेष न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो विशेष जो न्यायालय है उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत विचारण हो, और इसका कोई उद्देश्य नहीं है, यही मुख्य उद्देश्य आता है। प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों को आवश्यक उपाय करने हेतु उपबंध किस धारा में है? जी हाँ, राज्य सरकार से बात हो रही है तो यह धारा 21 में वर्णित है दोस्तों। यह धारा 21 में और भी है तो इसे देख ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट धारा है धारा 21। तो प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार को आवश्यक उपाय करने हेतु धारा 21 में वर्णित है। चलते हैं हम अब धारा देखते हैं कि 21(4) में क्या प्रावधान है दोस्तों। यह एक हो जाता है, दो हो जाता है, तीन हो जाता है, हमने इंपोर्टेंट रूप में शामिल किए गए हैं, तो देखते हैं हम इसका जो आंसर है वह देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा संसद में वार्षिक प्रतिवेदन रखना, यही जो धारा हो जाएगी राज्य सरकार को क्रियान्वयन करने का देता है। और धारा 21(4) में जो है संसद में वार्षिक प्रतिवेदन रखना पड़ता है कि कितने भारत देश में अत्याचार घटित हुए हैं, कितना निवारण हुआ है, कितना क्या है, तो संसद में रखना पड़ता है केंद्र सरकार को उसकी पूरी जानकारी हर प्रत्येक वार्षिक वर्ष में। के अधीन गठित अपराधों के संबंध में पुलिस को क्या अधिकार है? जी हाँ, पुलिस को क्या अधिकार है? तो बिना वारंट अभियुक्त की गिरफ्तारी, बिना न्यायालय की अनुमति के मामले में अन्वेषण, निवारक कार्यवाही का उपरोक्त सभी। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, हम इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जी हाँ, तो बिना वारंट के अभियुक्त की गिरफ्तारी भी हो सकती है, बिना न्यायालय की अनुमति के मामले में अन्वेषण भी हो सकता है, यानी सर्च जो भी उसकी जांच, निवारक कार्रवाई का पुलिस को अधिकार होता है। चलते हैं हम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य पर अत्याचार की सूचना मिलने पर निम्न में से किसके द्वारा स्थल का निरीक्षण करने का प्रावधान है दोस्तों? कोई भी जो है व्यक्ति जो भी अत्याचार हुआ है उसका उपरोक्त में भी सभी, चाहे वो जिला मजिस्ट्रेट हो, चाहे उपखंड मजिस्ट्रेट हो, कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो, या थाने का भार साधक अधिकार हो, अधिकारी हो, वो अत्याचार की सूचना मिलने पर वहां पर निरीक्षण कर सकता है अनुसूचित जाति वाले स्थल पर जहां उससे अत्याचार हुआ है। चलते हैं हम के अधीन अपराधों की उपधारणा कब से की जा सकती है? जी हाँ, जो भी इस अधिनियम की अपराधों की उपधारणा कब से की जाती है? जब अपराधी की आर्थिक सहायता की गई हो, जब अपराधी की पृष्ठभूमि संबंधी विवाद हो, जब अभी उक्त लोक सेवा को उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा जब अपराधी की आर्थिक सहायता की गई हो। जी हाँ, जब उपधारणा को तभी अपनाया जा सकता है जो अपराधी की आर्थिक सहायता की गई हो, तो इसे आप ध्यान रखना है, यह बहुत ही बारीक चीज होती है इसमें ध्यान रखने वाली। तो चलते हैं हम के अंतर्गत किस धारा के अभियुक्त एक अकेला व्यक्ति नहीं हो सकता? जी हाँ, यदि सामूहिक रूप से जो अपराधी है उन्हें बनाना है तो वह धारा कौन सी लगाना पड़ेगी पुलिस को, यह लगाना पड़ेगी धारा 8। जी हाँ, धारा 8 में सामूहिक रूप से अत्याचार करने के लोगों के लिए है धारा 8, तो इसका आप ध्यान रख सकते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995। जी हाँ, इसके जो नियम बनाए हैं 1995 के तहत कुछ नियम बनाए गए थे, उसके तहत हम देखते हैं के तहत अत्याचारों के निवारण हेतु यह तियाति व निवारक उपायों के अंतर्गत क्या शामिल है? तो अत्याचारों की दृष्टि से संबंधित क्षेत्रों की पहचान, अधिकारियों का द्वारा लाइसेंसी का निष्क्रियकरण एवं जागरूकता केंद्रों का स्थापना। जी हाँ, यदि किसी भी क्षेत्र में SC ST के सदस्यों को ज्यादा ही अत्याचार हो रहे हैं तो जो उपरोक्त सभी हैं जो हमने अभी देख चुके हैं वह हमारा आंसर होगा। इसके लिए लाइसेंस का नष्ट भी करने का प्रावधान किया गया है, नियम 1995 में बनाए गए हैं। देखते हैं के अंतर्गत गठित अपराधों का अन्वेषण कितने दिवस के भीतर उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का प्रावधान है? जी हाँ, यदि किसी SC ST के व्यक्ति पर अत्याचार हुआ है तो यह 30 दिवस के अंतर्गत जो है वो उसे अन्वेषण कर लेना चाहिए, जांच पूरी कर लेना चाहिए किसी भी अधिकारी को, जिस भी अधिकारी को जांच मिली है। अब देखते हैं कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संरक्षण कक्ष का प्रमुख कौन होता है? जी हाँ, जो संरक्षण कक्ष का प्रमुख कौन होता है इसे देखते हैं हम, पुलिस महानिदेशक या पुलिस महानिरीक्षक। जी हाँ दोस्तों, यह वह पद होता है जो किसी भी स्टेट का सबसे बड़ा पद होता है। यदि हम बात करें तो
मध्य प्रदेश की या उत्तर प्रदेश की, तो पुलिस महानिरीक्षक पुलिस महानिदेशक होता है। तो जो जो भी जिस भी स्टेट का जो भी सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होगा उसका उसे उस अनुसूचित जनजाति और जनजाति का संरक्षक कक्ष का प्रमुख माना जाता है। तो देखते हैं हम विशेष अधिकारी की रैंक कम से कम क्या होना चाहिए। जो भी विशेष अधिकारी नियुक्त करती है राज्य सरकार, उसकी जो भी रैंक है वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होना चाहिए। ध्यान दें दोस्तों, उप मजिस्ट्रेट की कम से कम तो रैंक होना ही चाहिए, उपखंड मजिस्ट्रेट की तो होना ही चाहिए। तो ध्यान दें दोस्तों, कितने बड़े कानून बनाया गया है यह भारत सरकार द्वारा। नोडल ऑफिसर की रैंक क्या होनी चाहिए, जो नोडल ऑफिसर है उसकी रैंक क्या होना चाहिए। नोडल ऑफिसर की रैंक होती है सचिव स्तर की होती है, सचिव स्तर की कम से कम होना चाहिए, जो कि राज्य सरकार का लेवल का अधिकारी होता है। तो देखते हैं हम नोडल ऑफिसर को क्या होना चाहिए। जी हाँ, नोडल ऑफिसर कौन होना चाहिए, या होना ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसका आंसर हम देखते हैं कि जो अनुसूचित, ध्यान दें, अधिमान्य अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य नोडल ऑफिसर होना चाहिए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा अधिमान्य अनुसूचित जनजाति का सदस्य। इसे ध्यान दें दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे देख सकते हैं। यात्रा भत्ता किसे दिया जाता है, जी हाँ, पीड़ित को भी दिया जाता है, पीड़ित के आश्रित को भी दिया जाता है, साक्षी को भी दिया जाता है। इस अधिनियम के तहत यात्रा भत्ता का प्रावधान है। तो उपरोक्त सभी हमारे आंसर हो जाएंगे। यात्रा भत्ता निम्न में से किस कार्य हेतु दिया जाता है, जी हाँ, यात्रा भत्ता जो है वो किस कार्य के लिए, अन्वेषण हेतु उपस्थित होने पर, विचारक सुनवाई हेतु उपस्थित होने पर, उपरोक्त सभी, जी हाँ। तो उपरोक्त दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अन्वेषण हेतु उपस्थित होने पर, विचारण या सुनवाई हेतु उपस्थित होने पर। तो यह दोनों के दोनों हमारे यात्रा भत्ता दिया जाता है, इस अधिनियम में प्रावधान है, और किसी भी अधिनियम में प्रावधान ऐसा नहीं है। इसमें जो नियम 1995 के तहत निम्न में से कौन प्रावधान नहीं है, जी हाँ, इसमें से कौन जो प्रावधान नहीं है, जो नियम 1995 में बनाए गए थे, तो इसमें जो है इसका आंसर निकल के नहीं आया है दोस्तों। तो इसमें आत्मस्मृता योजना या बजट का प्रावधान, इसमें है अत्याचार क्षेत्रों केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित क्षेत्रों के अधिकारियों की नियुक्ति, जी हाँ, इसमें अत्याचार क्षेत्रों में केवल अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो सकती है। और तो हमारा प्रशासन व पुलिस बल एवं अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों को पर्याप्त पर्याप्त जो है वह बल होना चाहिए। और बजट में प्रावधान आकस्मिकता योजना, लेकिन भी हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा निकल के आंसर नहीं आया था, लेकिन मैंने बता दिया है आपको इसका आंसर, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। इसके 1995 के तहत अत्याचारों के निवारण हेतु यह तियाती व निवारण उपाय हेतु किसके द्वारा किए जाते हैं, जी हाँ दोस्तों, यह किसके द्वारा किए जाते हैं, यह किए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार द्वारा जो अत्याचारों के निवारण हेतु यह तियाती या निवारक उपायों हेतु किसके लिए दिया जाता है, किसी पुलिस अधिकारी नियुक्त करना या अधिकारी नियुक्त करना, तो वह राज्य सरकार का कार्य होता है। और नियम बनाना जो केंद्र सरकार का कार्य होता है। राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को रिपोर्ट किस स्थिति से, रिपोर्ट किस स्थिति से पूर्व भेजे जाने चाहिए, जो भी जो अत्याचार हुए हैं एक साल के अंतर्गत, तो वह 31 मार्च से पहले भेजी जानी चाहिए रिपोर्ट, क्योंकि उसे भी केंद्र सरकार को भी संसद पटल पर रखनी होती है। तो राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को रिपोर्ट 31 मार्च से पहले भेज देनी चाहिए। इसमें संशोधन हुआ था दोस्तों, तो हमने जो भी एस सी एक्ट से चाहे अधिनियम हो और संशोधन है, उसको हमने सारे के सारे शामिल किए गए हैं। तो एस सी एस टी एक्ट 1989 में 2015 के संशोधन द्वारा विशेष न्यायालय के शब्दों के स्थान पर निम्न में से कौन सा शब्द प्रतिस्थापित किए गए हैं, जी हाँ, पहले केवल विशेष न्यायालय ही किया जाता था, लेकिन अब विशेष न्यायालयों और अन्य विशेष न्यायालयों को किया जाता है दोस्तों। सी इसका आंसर हो जाएगा, विशेष न्यायालय अन्य विशेष न्यायालय उपयोग किया जाता है, जो शब्द उपयोग किया जाता है जो संशोधन 2015 में हुआ था। तो इसका आंसर यह हो जाएगा और आप इसे देख सकते हैं दोस्तों मित्रों के अंतर्गत 2015 के संशोधन आर्थिक बहिष्कार को अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो इसे आपको देखना है, यह धारा दो खागा में जो है वो आर्थिक बहिष्कार अधिनियम को परिभाषित किया गया है।
इसकी अंतर्गत 2015 के अंतर्गत देखना है। इसके अंतर्गत 2015 के संशोधन द्वारा निम्न में से किन शब्दों का अंतः स्थापित किया गया है, तो आश्रित, आर्थिक बहिष्कार, अन्यन, विशिष्ट न्यायालय, उपरोक्त सभी, जी हाँ, इन सभी को अंतः स्थापित किया गया है, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता हुआ। अन्य व्यक्ति किससे भाड़े पर कार से संबंधित सम व्यवहार करने या कारोबार करने से इनकार करना, SC ST के अधिनियम में तहत कौन सा बहिष्कार माना जाएगा, जी हाँ ध्यान दें, अन्य व्यक्ति से भाड़े पर कार से संबंधित सम व्यवहार करने का कारोबार करने से इनकार करना, भाड़ा जो भाड़े पर कार से संबंधित होता है उससे संबंधित क्वेश्चन है, तो इसे हो जाएगा हमारा आर्थिक बहिष्कार। तो आर्थिक बहिष्कार के नियम लागू होंगे इस पर, इसकी जो जो भाषा होगी, लैंग्वेज होगी, वो इसी प्रकार की होगी और नहीं होगी, तो इसका आंसर आप ध्यान रख सकते हैं। के अंतर्गत मार्च 2014 के संशोधन द्वारा इस अधिनियम के तहत क्या जोड़े गए हैं, इसमें दोस्तों 2014 में भी एक संशोधन हुआ था, तो इसमें क्या जोड़े गए हैं, इसके जोड़े गए हैं दोस्तों, सारा का सारा आंसर था हमारा सामाजिक बहिष्कार, वन अधिकार और पीड़ित व साक्षी, उपरोक्त सभी जो संशोधन के तहत शब्द जोड़े गए हैं, इसे आप ध्यान रख सकते हैं, जो मार्च 2014 में संशोधन हुआ था उसके तहत बात कर रहे हैं हम, अलग अलग वर्ड हैं, 2015 में अलग जोड़े गए थे। के अंतर्गत अन्यन विशेष न्यायालय को किस धारा में परिभाषित किया गया है, जी हाँ, अन्यन जो 2015 में संशोधन हुआ था उसमें धारा खा और घा में, ध्यान दें दोस्तों, यह बहुत ही टिपिकल है याद करना, लेकिन आप कर सकते हैं क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं उस पोस्ट की, जिसे पोस्ट की आपको चाह है दोस्तों, एक राजपत्रित अधिकारी बनने की। अन्यन विशेष न्यायालय को धारा में प्रवस्त किया गया है, धारा 2 खा और घा में, वो एक ही साथ की धारा है, के अधीन भी निर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है, इसमें जो विशेष न्यायालय को जो है शक्ति वो क्या नहीं दी गई है, वह इसके बारे में बात हो रही है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हम पुलिस को भिन्न किसी व्यक्ति के अतिरिक्त अन्वेषण करने को अधिकृत करना, पुलिस से भिन्न किसी भी व्यक्ति को जो विशेष न्यायालय को शक्ति नहीं दी गई है, पुलिस को दी गई, पुलिस को भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत नहीं कर सकता है, यह ध्यान दें दोस्तों, विशेष न्यायालय जो भी विशेष न्यायालय है, लेकिन वो किसी अपराध को दोष सिद्ध, अभियुक्त को संपत्ति संहरण करने का, किसी व्यक्ति किसी क्षेत्र से हटाना, किसी अपराध किए जाने की संभावना, किसी व्यक्ति के माप फोटोग्राफ लेना, उसके अपराध किए जाने की संभावना सब में की जाती है, लेकिन एक ही चीज में नहीं की जाती है। देखते हैं हम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए एक प्रावधान है जो निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, जी हाँ दोस्तों, तो इस अधिनियम के अंतर्गत जो उन्नति का प्रावधान है वो संरक्षा विभेद का सिद्धांत आधारित है, ध्यान दें दोस्तों, इसमें यह आ चुका है आपके एग्जाम में, तो संरक्षा विभेद सिद्धांत पर आधारित है। चलते हैं हम SC ST Act 1989 के अधीन निम्न में से क्या पूर्णता निषेध है, गिरफ्तार, गिरफ्तारी पूर्व जमानत, गिरफ्तारी पश्चात जमानत, परिवेक्षा का लाभ, उपरोक्त सभी, तो दोस्तों यह सभी के सभी निषेध हैं क्योंकि इसमें न्यायालय ही इसकी जमानत दे सकता है, तो इसकी क्या पूर्णता निषेध है, इसमें पूर्णता निषेध के बारे में बात हो रही है, तो गिरफ्तारी पूर्व जमानत, जी हाँ, गिरफ्तारी पूर्व जमानत इसकी नहीं हो सकती है, अग्रिम जमानत नहीं हो सकती है, ये इम्पोर्टेंट है, यह आ गया है, ध्यान दें दोस्तों, तो देख सकते हैं आप इसका आंसर। के अधीन अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या उपधारित कर सकता है, आपको बताना है कि इस एक्ट के तहत अधीन अभियोजन में न्यायालय निम्न में से क्या, दुष्प्रेरण, सामानाशय, सामान उद्देश्य और उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा क्योंकि इसमें दुष्प्रेरण भी, सामानाशय और सामान उद्देश्य और उपरोक्त सभी, हमने कंप्यूटर द्वारा चेक कर लिया है इसका आंसर, और इसका आंसर दुष्प्रेरण, सामानाशय, सामान उद्देश्य होगा। चलते हैं हम के अधीन अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो कम से कम
किस रैंक का होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उप अधीक्षक लो। क्या उप अधीक्षक की रैंक का होना चाहिए इस अपराध से जो अन्वेषण पुलिस अधिकारी होगा, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता? जी हाँ, जो विशेष न्यायालय है वो कौन सी शक्ति का जो है वो सामूहिक जुर्माना आरोपित नहीं कर सकता है। जी हाँ, सामूहिक जुर्माना आरोपित नहीं कर सकता है विशेष न्यायालय, आप इसे ध्यान दें। के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभावक नहीं ले सकता, ध्यान दें दोस्तों, क्या नहीं ले सकता है? तो कार्य निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया हो, भय भी पीड़ित जाति का हो, कार्य किसी इतनी थोड़ी अपहानी हो जो शिकायत के विषय में नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो भय भी पीड़ित जाति का हो तो अपराध अभियोजन में नहीं आ सकता दोस्तों। जो इसके आपस के जो SC ST के लोग हैं आपस में, चाहे वह जाति सूचक शब्द से प्रयोग करे या उसकी पिटाई कर दे, तो इस अधिनियम के तहत उसका मामला दर्ज नहीं होगा। अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद की मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 17। जी हाँ, इस प्रस्ताव को भी जो दर्शाता है, तो इसमें हमने सब सारी की सारी लिख लिया है कि मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार का प्रदान किए गए हैं। देखते हैं हम जो इसके अनुसूचित जाति और जनजाति के नियम बनाए गए थे 1995 के तहत निम्न में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति का गठन का बंद किया गया है, तो वह धारा कौन सी होगी? तो वह धारा होगी हमारी 17। ये ध्यान दें दोस्तों, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की धारा 17 है, जिसमें हम जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटर समिति का गठन का बंद किया, सतर्कता समिति का गठन किया गया है। तो राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटर समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी होते हैं अपने, ध्यान दें दोस्तों, इसी के लिए यह समिति गठित की गई है, अत्याचारों से संबंधित, इस अधिनियम के अत्याचारों से संबंधित के लिए गठित की गई है। राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटर समिति के मंत्री सदस्यों में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है? जी हाँ, तो इसका आंसर है विधि मंत्री, जो विधि मंत्री है वह शामिल नहीं होता है। चलते हैं हम, राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटर समिति के अधिकारी सदस्यों में कौन शामिल नहीं है? इसमें से कौन शामिल नहीं है? जो अधिकारी की बात हो रही है वो मंत्री की बात हो रही है, इसमें अधिकारी की बात हो रही है, तो इसमें कल्याण सचिव शामिल नहीं होता है, जबकि गृह सचिव, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक शामिल होते हैं, लेकिन कल्याण सचिव शामिल नहीं होते हैं, तो इसका आप ध्यान दे सकते हैं। SC ST Act 1989 में किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों को लागू होना उपबंधित है? आपको बताना है जो भारतीय दंड संहिता है वह धारा 6 में उपबंधित है, ध्यान दें दोस्तों, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें धारा 6 में उपबंधित है। तो चलते हैं हम, के अनुसार किसी अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति को विवाह में घोड़े पर शोभा यात्रा निकालने से रोकना क्या अपराध है? जी हाँ, किसी की शादी हो रही हो SC ST के और उससे बोला जाए कि घोड़े पर मत बैठ, तो क्या इसका अपराध होगा दोस्तों? तो हम देखते हैं, इसके आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा जी हाँ, हाँ यह भी अपराध होता है। तो भैया कोई भी व्यक्ति हो उसे कभी भी घोड़े पर, SC ST का सदस्य हो, वो घोड़े पर बैठ रहा हो और वो शोभा यात्रा निकाल रहा हो अपनी, तो उसे कभी मत रोकिएगा, क्योंकि यह भी अपराध में शामिल होता है SC ST के कानून के तहत। देखते हैं हम, अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां किन को प्राप्त हैं? तो यह तो केवल केंद्र सरकार को प्राप्त है, यह केंद्र सरकार को प्राप्त है हमारी जो शक्तियां हैं इस अधिनियम के तहत बनाने की। चलते हैं हम, SC ST Act 1989 की धारा 4 के अनुसार लोक सेवक को क्या कर्तव्य है? जी हाँ,
वह पीड़ित या साक्षियों के कथन अभिलिखित करे। बिल्कुल, अन्वेषण करना और विशेष न्यायालय या अन्य विशेष न्यायालयों में 60 दिन की अवधि के भीतर आरोप पत्र फाइल करना। जी हाँ, आरोप पत्र दाखिल किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का सही रूप से तैयार या विचलित करने या उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। तो इस ध्यान देना, धारा 4 के अनुसार लोक सेवक के कर्तव्य की धारा 23 के अंतर्गत नियम किस दिनांक को अधिसूचित किए गए। जो धारा 23 के अंतर्गत जो नियम बनाए गए वो कब अधिसूचित किए गए, यह हमारा क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा हमारा 31 मार्च 1995। जी हाँ, 31 मार्च 1995 को जो है वो इस धारा इस अधिनियम के तहत धारा 23 के अंतर्गत नियम दिनांक को अधिसूचित किए गए, क्योंकि इसमें कुल धारा 23 ही है। तो इसके आखिरी जो धारा 23 बनाई गई वो जो नियम 31 मार्च 1995 को बनाए गए के अंतर्गत अपराध कौन से हैं, ध्यान दें, संज्ञेय, आजमानतीय, आशमनीय, उपरोक्त सभी। जी हाँ, इस अधिनियम के तहत उपरोक्त सारे के सारे जो अपराध माने जाते हैं हमारे। तो देखते हैं हम, अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण नियम 1995 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस अपराध की सूचना निम्न में से दी जा सकती है। जी हाँ, जो नियम बनाए गए हैं 1995 के तहत और इस जो अधिनियम है जो हमारा चल रहा है इसके अंतर्गत किसके तहत किसको हमें अपराध की सूचना दी जाती है। तो दोस्तों, इसका क्वेश्चन इसका आंसर नहीं निकल के आया है, तो इसका आंसर हो जाएगा थाने के भार साधक अधिकारी को, थाने पर पदस्थ किसी भी पुलिस अधिकारी को, केवल पुलिस उपरीक्षक को, केवल अनुसूचित जाति कल्याण थाने को। जी, किस थाने के भार साधक अधिकारी को, ध्यान दें दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला, थाने के भार साधक अधिकारी को इसकी सूचना दी जा सकती है, क्योंकि रिपोर्ट करेगा तो वो कहाँ जाएगा दोस्तों। तो यह थाने के भार साधक अधिकारी हो जाएगा हमारा इसका आंसर, और इसे आप देख भी लेना मित्रों। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यही जो नियम है 1995 के तहत 12(1) जो नियम है अंतर्गत अत्याचार वाले घटना स्थल पर किस अधिकारी किन अधिकारी को जाने का प्रावधान है। तो जो 12(1) नियम है, नियम 1995 के अंतर्गत, तो इसमें पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट ही उसमें दौरा कर सकता है। तो इसमें उपरोक्त दोनों का प्रावधान किया गया है, पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट यदि नियम 1995 के तहत नियम 12(1)(1) में, तो यह ध्यान देने वाली बात होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ गंभीर घटना घट गई हो तो उसमें नियम बनाए गए हैं सरकार द्वारा के अंतर्गत दंड अधिकतम दंड दिया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत जो मृत्यु दंड दिया जा सकता है इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है, बहुत ही कड़े नियम है। इस अधिनियम की प्रस्ताव में निम्न में से किस आशय की शब्दावली का समावेश नहीं है। अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों पर होने वाले अत्याचार का निवारण, विशेष न्यायालय की स्थापना, ऐसे अपराध से पीड़ित व्यक्तियों की राहत एवं पुनर्वास, अनुसूचित जाति जनजाति सदस्यों का सामाजिक आर्थिक विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों का सामाजिक आर्थिक विकास से संबंधित कोई भी वर्णन हमारे जो अधिनियम की प्रस्तावना है उसमें नहीं है, केवल अत्याचार से संबंधित है और यह जो तीन है जो उससे संबंधित है जो हमने पढ़ा। तो हमने देखा इसकी जो धारा 3(2)(1) है के अंतर्गत जहां अपराधी कोई लोक सेवा के उसके लिए न्यूनतम दंड कितना का प्रावधान किया गया है, इसका प्रावधान किया गया है दोस्तों 1 वर्ष का। जी हाँ, 3(2)(1)(3)(2)(i) में 1 वर्ष का है, वैसे उसे दोस्तों 6 महीने का मिलता है, लेकिन इसमें 1 वर्ष का जो प्रावधान दिया गया है, यदि 3(2)(i) लिखा आता है तो इसमें लोक सेवक को 1 वर्ष का कारावास न्यूनतम होगा, इसे आप ध्यान रखें जो भी सरकारी व्यक्ति हो। के तहत अनुसूचित जाति जनजाति की स्त्री को किसी देवदासी के रूप में पूजा जाना अपराध है। जी हाँ, उसे जो भी SC ST की जो भी महिला है उसे आप देवदासी के रूप में नहीं पूज सकते हैं। जी हाँ, यह भी आपको अपराध माना जाएगा, यह भी अपराध की श्रेणी में होता है हमारा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जी हाँ, यह कृत है, यह अपराध है, किसी भी देवदासी बनाना या पूजना, या पूजा के पूजना या देवदासी बनाना एक ही बात है, इसमें आशय एक ही है मेरा।
देखते हैं हम कि राज्य सरकार की एसटी के अधीन अपराधों के विचारण विनिर्दिष्ट कहती है जिसका पीठासीन अधिकारी कौन होता है। इसका जो जी हाँ इसका पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है जो भी अपराध होते हैं इसके विचारण के लिए, तो इसका जो पीठासीन अधिकारी होता है वो सेशन न्यायाधीश होता है। जी हाँ, क्योंकि सेशन न्यायाधीश को ही विशेष न्यायालय के अधीन अन्य विशेष न्यायालय बनाए जाते हैं, तो वो सेशन न्यायाधीश के ही अंतर्गत गठन किया जाता है। इसके अधीन अपराध के लिए दोषी व्यक्तियों को दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध को लागू न होना किस धारा में प्रावधान किया गया है? जी हाँ, जो भारतीय दंड संहिता की जो प्रक्रिया है वह है, इसमें धारा 19 में इस प्रकार के प्रावधान लागू नहीं होंगे। ध्यान दें दोस्तों, जो दोषी व्यक्तियों के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा के अधिनियम उपबंध को लागू ना होना इस अधिनियम के तहत, वो धारा 19 में लागू नहीं होते हैं जो प्रक्रिया संहिता धारा 360 है और या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के उपबंध लागू नहीं होंगे। उसमें अधिनियम धारा 19 ही लागू होगी, उसमें एक ही बात होती है। ऐसी एक्ट 21 धारा के तहत विधि एवं व्यवस्था तंत्र द्वारा निवारक कार्यवाही का प्रावधान किया गया है, तो यह धारा होती है 17। जी हाँ, धारा 17 के तहत निवारक कार्यवाही का प्रावधान किया गया है इस अधिनियम के तहत, तो इसे आप देख सकते हैं कि तहत विधि एवं व्यवस्था द्वारा निवारक कार्यवाही का प्रावधान किया गया है। के अधीन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधान इस अधिनियम के अधीन तब लागू हो सकते हैं यदि अपराधी की आयु कितनी होगी। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, जो इसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1960 है, तो उसमें इस अधिनियम की जो नियम लागू नहीं होंगे यदि उसकी 18 वर्ष से अधिक नहीं हो, तो यही बात हो रही है। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने पिछले भी इस प्रकार का क्वेश्चन लिया है, तो उसकी आयु इस कंडीशन में होना चाहिए कि 18 वर्ष से अधिक नहीं हो, तो इसके जो SC ST के जो हैं वो लागू नहीं होते हैं और इसके तभी लागू हो सकते हैं जब 18 वर्ष से अधिक लागू हो, तो 18 वर्ष से हैं तभी इसके नियम लागू हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो लागू किसके होंगे? दंड प्रक्रिया संहिता धारा 360 के लागू होंगे या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 के नियम लागू होंगे। देखते हैं हम के अंतर्गत राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम करने हेतु कौन नियम बना सकती है? जी हाँ, राजपत्र में जो अधिनियम है वो केंद्रीय सरकार ही नियम बना सकती है। केंद्रीय सरकार के नियम है जो वही बना सकती है। के तहत कोई व्यक्ति जिसको धारा 10 के तहत किसी क्षेत्र से हट जाने के लिए कोई आदेश जारी किया गया हो, तब इसे विशेष न्यायालय किस परिस्थिति के अनुसार गिरफ्तार कर सकेगा? जी हाँ, यदि आदेश के अनुसार हटने में असफल रहे, यदि हटने के उपरांत विशेष न्यायालय की लिखित अनुज्ञा के बिना निर्धारित अवधि के भीतर प्रवेश करना। जी हाँ, यदि जिला बदल कर दिया गया है किसी को तो या किसी विशेष क्षेत्र में, तो यह दोनों ही नियम लागू होंगे, तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं। जिला बदल कर दिया गया हो या विशेष क्षेत्र में या किसी गाँव से कि तुम इस गाँव में नहीं जाओगे, वो बिना आज्ञा के भाई चला गया, तो उसे गिरफ्तार करने के धारा 10 के तहत विशेष न्यायालय को पावर होंगे। ऐसे व्यक्ति की जिनके विरुद्ध SC ST एक्ट 19 की धारा 10 के अधीन आदेश दिया गया है, फोटो लेने का प्रावधान किया गया है, तो प्रावधान धारा 10 के अंतर्गत ही किया गया है। दोस्तों, इसे ध्यान रख सकते हैं, यह इम्पोर्टेंट भी है और इसमें धारा यहाँ पे लिखना नहीं था हमें, या इसे हम देखेंगे, इसे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को, इसमें क्या है, तो देखते हैं हम। इसके तहत किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने की दशा में प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, तो किस दशा में प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है दोस्तों? तो वह धारा 11 में। जी हाँ, ध्यान दें दोस्तों, किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित क्षेत्र से हटने में असफल रहने और वहां से हटने के पश्चात उसमें प्रवेश करने की दशा में प्रक्रिया प्रावधान, धारा 11 में प्रक्रिया का प्रावधान, ध्यान दें दोस्तों। और जो उसे पकड़ मकड़ सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, वो धारा 10 में है विशेष न्यायालय को, लेकिन इसमें धारा 11 में प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है, इसलिए तो यह डिस्टर्बेंस करते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं और कन्फ्यूजन पैदा करते हैं।
के अंतर्गत केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति किस धारा में तहत प्राप्त है? जो केंद्र सरकार जो नियम बनाती है वो धारा किसके तहत है? धारा 20 के तहत जो केंद्र सरकार नियम बना सकती है। दोस्तों इसे ध्यान रखना, जो भी इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार नियम बना सकती है तो वह धारा 20 के अंतर्गत नियम बना सकती है। चलते हैं हम कि निष्कासन से संबंधित उपबंध से संबंधित किस अध्याय में किए गए हैं, तो यही बार लिखा आएगा जब आपका आंसर आ जाएगा, तो अध्याय 3 में इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों क्या के अधिनियम के निष्कासन से संबंधित किस अध्याय में है, तो वह अध्याय 5 है हमारे, उसमें बात हो रही है कि धारा अध्याय 3 में निष्कासन से संबंधित उपबंध से संबंधित अध्याय में है, यह अध्याय से संबंधित है। के अधीन अपराध में आरोपित अभियुक्त निम्न प्रावधान के अधीन जमानत हेतु आवेदन नहीं कर सकता है, तो ध्यान दें दोस्तों के जो यदि एससी एसटी के अंतर्गत उस पर केस दर्ज हो जाता है तो इसमें किस अधिनियम के तहत वह आवेदन नहीं कर सकता है, वह क्योंकि यह कुछ सेम होती है, तो अंतर्गत धारा 438 दंड प्रक्रिया के तहत वह आवेदन जमानत नहीं कर सकता है। इससे भी उसकी अंतर्गत धारा 438 दंड प्रक्रिया और इसमें अधिनियम अलग बनाए गए हैं। और यदि हम बात करें तो इसकी दंड प्रक्रिया की बात करें तो धारा 438 दंड प्रक्रिया के अंतर्गत वह आवेदन नहीं कर सकता है और एससी एसटी के जो नियम बनाए गए हैं उसके तहत वह आवेदन नहीं कर सकता है। तो चलते हैं हम धारा 10 के अधीन दिए गए आदेश का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है। जी हां, जो धारा 10 का उल्लंघन करेगा तो उसे 1 वर्ष का तक का कारावास एवं जुर्माना। जी हां, जो धारा 10 के अधीन आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसे केवल 1 वर्ष का कारावास एवं जुर्माना होगा। चलते हैं हम, ध्यान दें दोस्तों के अंतर्गत दांडिक प्रावधान जो मृत्यु दंड से भेद है। जी हाँ, मृत्यु दंड का जो प्रावधान लागू है उसमें वो 3(2)(1)(3)(2)(i) ध्यान दें दोस्तों, 3(2)(i) एक बोल जाता हूं मैं मुंह से, आप ध्यान दें दोस्तों 3(2)(i) में जो है वो जो दांडिक प्रावधान है वो मृत्यु दंड का प्रावधान है इस अधिनियम में, तो इसे आप ध्यान दे सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यह वीडियो हमने 2 भागों में पूर्ण किया है दोस्तों, इससे इसके बाद जो भी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, चाहे आपके कितने भी क्वेश्चन बने हैं, वो भाग 2 में आएंगे। और देखते हैं हम एससी एसटी के एक्ट 1989 की धारा 3 खंड 4 और खंड 6 में के प्रायोजन के लिए सदस्य पद से निम्न में क्या सम्मिलित हैं? जी हाँ, इसमें धारा 3 खंड 4 और खंड 6 के प्रायोजन में क्या शामिल है, तो इसे हम देख सकते हैं। उपरोक्त सभी, जी हाँ, व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध व्यक्ति की सहमति के बिना ऐसी भूमि के अवलोकों का बनाना। जी हाँ, तो उपरोक्त सभी के सभी हमारे आंसर हो जाएंगे दोस्तों। तो यह ध्यान रखना है कि धारा 3 खंड 4 और खंड 6 के प्रायोजनों के लिए सदोष पद से सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों हमने यह वीडियो एससी एसटी अधिनियम 1989 का पहला वीडियो था, तो हमने यह वीडियो देखा। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं इसे, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यू अपडेट्स के लिए आप हमारे करियर डेस्ट अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण का अधिनियम का 1989 का दूसरा वीडियो हम दोस्तों हम जल्दी अपलोड करेंगे, जिसमें हम जो भी क्वेश्चन MCQ के बच गए हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के, उनको हम शामिल करेंगे। हमारा ध्यान दें, हमारा दूसरा वीडियो होगा वह, और इसका हम एक विवरण वीडियो भी लाएंगे, डिटेल वीडियो भी लाएंगे इसका, जिस जो भी अलग वीडियो होगा दोस्तों वो भी आपको एग्जाम के लिए मदद करेगा, चाहे आपका UPPS
यूपीएससी हो चाहे कोई सा भी एग्जाम हो उसके लिए, जिसमें अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों यह वीडियो हमारा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।